बाढ़ आपदा के दौरान लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के जवानों द्वारा दलपत सागर में संयुक्त रूप से अभ्यास किया गया। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने, नाव पलटने की घटना में लोगों को बचाने, काम चलाओ तौर पर घरेलू अनुपयोगी सामग्री से तैयार तैराकी उपकरण को लेकर आधुनिक रिमोट संचालित लाइफ बोट और गोताखोरी के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही लोगों को प्रारंभिक उपचार एवं CPR देने की सही विधि भी बताई गई। जैसा कि आपने देखा, एक विक्टिम जो मिसिंग था उसे डीप डाइवर ने खोज निकाला है। अब उसे बोट पर ही प्राथमिक उपचार देने के बाद बोट को बेस के लिए रवाना किया जा रहा है। साथ ही उसके पीछे SDRF की टीम लगातार सहयोग करती हुई ज्वाइंट ऑपरेशन में, और वह टीम NDRF की टीम को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, ताकि अगर वहां पर NDRF की टीम को कोई खतरा होता है या कोई और दुर्घटना होती है तो उस समय तुरंत राहत कार्य किया जा सके।